हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे हैं। आज जैसे मैंने आपको भी बताया था मेरे पहले वीडियो में, ये फोनिक लेवल रीडर वन की एक सेट में 6 बुक्स जो आती हैं, उसमें से मैं आपको सारी बुक्स के रिलेटेड जो है एक एक वीडियो करके मैं इसके रिगार्डिंग आपको बताऊंगी। तो मैंने इसमें इंग्लिश में जो हुआ था वो मैंने अपलोड कर दी है और इसका हिंदी का अभी मैंने बनाया। तो ये है द कैट एंड द रैट, बुक कुछ इस तरह से है। कैट बिल्ली एंड द रैट चूहा, ये चूहा और बिल्ली की कहानी। चलिए देखते हैं आगे क्या है। वेरी गुड पल्स, बिल्ली और चूहा बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। ज़्यादातर हमने जब भी स्टोरी कुछ सुनी है, हमने हमेशा ये कहानी सुनी है कि चूहा बिल्ली कभी दोस्त नहीं बन सकते, पर ये कहानी कुछ अलग है। यहाँ पे चूहा और बिल्ली बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। They wanted to have a picnic. चूहा और बिल्ली सोच रहे हैं जाके कभी बाहर ऐसे बगीचे में पिकनिक मनाया जाए। They wanted to have a picnic. The cat wore a hat and the rat wore a cap. फिर पिकनिक जाने के लिए पूरी तैयारी हो गई। उन्होंने मैट भी ले लिया और ऊपर कैट ने क्या पहना है, हैट, और रैट ने क्या पहना, कैप। क्यों? क्योंकि उसके तो बड़े बड़े कान हैं, नहीं? फिर उसने एक हाथ में कुछ ये पकड़ा है जिसमें शायद कुछ खाने का सामान होगा। चलिए देखते हैं आगे। द कैट वोर अ हैट एंड द रैट वोर अ कैप। They went in a van to a sunny land. फिर ये लोग एक वैन में बैठकर एक बगीचे में जाते हैं जहाँ पे थोड़ी धूप है, अच्छी सी वेदर देखकर कहीं पे पिकनिक मनाने के लिए। They sat on a mat and ate bread and jam. फिर वो एक मैट के ऊपर बैठकर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ जैम है, ये कुछ ब्रेड खा रहे हैं, दोनों मिलकर एंजॉय कर रहे हैं मैट के ऊपर, मैट बिछाकर, ये धूप में, ये उन्होंने जो मैट बिछाकर एक ग्रीन एरिया में, एक बगीचे में, कितनी सुंदर जगह है ये, एंजॉय कर रहे हैं। After they ate, they had friendly chat. खाना खा रहे हैं उसके साथ साथ अच्छा खूब बात भी कर रहे हैं दोनों दोस्त। As they ate, they had a very friendly chat. The wind blew the cat's hat away. फिर तभी क्या हुआ, बहुत तेज हवा चली, उसके चक्कर में कैट की हैट उड़ गई। तब दोनों हैरान परेशान हो गए। चलिए देखते हैं आगे क्या है। Oh no, my hat, said the cat. फिर कैट एकदम परेशान हो गया, मेरी हैट उड़कर चली गई, अभी मैं क्या करूंगी, मुझे चाहिए वापस मुझे मेरा हैट। The cat ran behind the hat. फिर बिल्ली भी उसके पीछे भागती गई काफी लंबा। The
that hat flew away. So the cat became sad. पर इतनी तेज हवा चल रही थी तभी कि जब बिल्ली भागने की कोशिश इतनी करी पर फिर भी वो असफल रही और वहाँ तक वो भाग नहीं पाई। फिर उसको कैब भी नहीं मिल पाया तो वो थोड़ी सैड हो गई, दुखी हो गई। देखिए कैसा लग रहा है, वो कैसी लग रही है वो उसके फेस। डोंट बी सैड कैट, सेड द रैट, आई विल फाइंड योर हैट। फिर तभी क्या हुआ, रैट ने एक दोस्त होने के नाते चूहा ने बोला, तुम दुखी मत हो मेरे दोस्त, मैं तुम्हें ढूंढकर लेकर आऊंगा तुम्हारी हैट को। एंड सो द रैट कॉल्ड हिज रैट पैल्स। फिर अपनी सारी दोस्त को चूहा ने बुला लिया तुरंत। एंड सो द रैट कॉल्ड हिज रैट पैल्स। ऑल द रैट्स लुक्ड टुगेदर एंड फाउंड द हैट। फिर सारे ही चूहे ने मिलकर आके ढूंढ ही ली उसके हैट। देखिए कैसे खुशी के नाते डांस कर रहा है ये, है ना। अभी इसके चेहरे से ही पता चल रहा है कि अभी क्या हुआ होगा, कितना खुश लग रहा है ना। द कैट गॉट बैक हिज हैट एंड फेल्ट वेरी ग्लैड। फिर जब बिल्ली को मिल गई उसकी हैट तो उसकी खुशी देखने लायक थी, वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। बस ये थी कहानी। और अगर आप देखेंगे इसमें ऐसे सारे कुछ हैं जो फोनिक्स के बोलते हैं हम लोग, जो आ वर्ड है वो थोड़ा शॉर्ट में है, जैसे कि ख एट कैट, र एट रैट, प एव्स पैल्स, हैव हैव, एट हैट, क एप कैप, वू एन वैन, ऊ एन लैंड, sat, at, mat, t, am, jam, as, as, h, ad, had, t। इसको हम ब्रेक करेंगे, छ ख नहीं, ख हैट खैट होता है फिर, तो छ हैट चैट। सी एच को हम हमेशा जब भी सी के बाद एच आता है ज्यादातर हम लोग उसको कंबाइन करके करते हैं, वो चैट प्रोनाउंसिएशन रहता है। तो ज्यादातर ये इसके बारे में भी हम फोनिक्स में पढ़ेंगे, मैं आपके पास आपके कोई दूसरे वीडियो में मैं उसकी फोनिक्स के रिलेटेड भी आपके साथ शेयर करूंगी। मे बी अगर किसी को हेल्प की जरूरत हो तो मे बी वहां से आप रेफर कर सकते हैं। तो उसी तरह रैन, सैड, बैक, ग्लैड एंड ऐसे ही इसके रिलेटेड सब कुछ है। और ये ओम किड्स पब्लिकेशंस की है। द कैट एंड द रैट। अ कैट एंड अ रैट डिसाइड टू गो ऑन अ पिकनिक। कैन अ कैट एंड अ रैट बी गुड फ्रेंड्स। व्हाट हैपेंस व्हेन द कैट इज इन ट्रबल, लेट्स टेक अ लुक। पर मैंने तो आपको पूरी स्टोरी बता दी। अभी आप देखिए ये बुक में ये जो क्वेश्चंस जो है आपको ये आंसर्स सारे आपको पता चल गए। और आपको ये बुक्स कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। आपको कुछ भी इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो मैं आपको ज़रूर दूंगी। और मुझे जहाँ तक इसके फोनिक्स के रिलेटेड और भी कई बुक्स अगर मुझे मिलते हैं मैं ज़रूर इसमें अपलोड करूँगी। अगर किसी के हेल्प हो जाता है देन आई विल बी वेरी हैप्पी। Thank you. Bye.